Hello students, today in this video we are going to read lesson 5, The Subject Within. First we will read about the author. The author is Major Haripal Singh Ahluwalia. Is an Indian mountaineer, author, social worker, retired Indian Army officer. During his career he has made contribution in the fields of adventure, sports, environment, disability and social worker. He is the 6th Indian man and 21st man in world that climbed Mount Everest. So, इस चैप्टर के ऑथर मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया हैं, जो कि इंडियन माउंटेनियर हैं, ऑथर हैं, सोशल वर्कर हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं वो. ड्यूरिंग हिज कैरियर, अपने कैरियर के टाइम, ही हैज़ मेट कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया था इन द फील्ड्स ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, एनवायरमेंट के और डिजेबिलिटी एंड सोशल वर्क के फील्ड में. ही इज़ द 6th इंडियन, वो 6th इंडियन मैन है एंड 21st मैन इन वर्ल्ड, और वर्ल्ड के 21st मैन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था. ही वॉज बॉर्न 6 नवंबर 1936. इनका जन्म 6 नवंबर 1936 में हुआ था, सैलाकोट पाकिस्तान में. नेशनलिटी इंडियन. एजुकेशन, इनकी एजुकेशन थी सेंट जॉर्ज कॉलेज, ईयर्स ऑफ सर्विस इन 1958 टू 1968. बुक्स इन्होंने लिखी है, हाइयर देन एवरेस्ट, मेमोरीज ऑफ माउंटेनियर, समिट ऑफ द माइंड, ऑल इंडियन क्रॉस डिजेबिलिटी कन्वेंशन, फेसेस ऑफ एवरेस्ट, क्लाइंबिंग एवरेस्ट, ट्रेसिंग मार्को पोलोज जर्नी, द सिल्क रूट एंड मोर. इन्होंने इतनी बहुत सारी बुक्स लिखी है जो कि एडवेंचर और माउंटेन से रिलेटेड है, माउंटेनियर से रिलेटेड है और सोशल वर्कर से रिलेटेड है. अवार्ड्स, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, पद्मभूषण भी इन्हें मिला है. द सबमिट विदिन. सबमिट विदिन से ही हमें पता चलता है, चैप्टर के नेम से ही, सबमिट मतलब पीक, विदिन जो हमारे अंदर है. यहाँ पे मिस्टर जो मेजर आहलूवालिया हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से परेशानियाँ, जो डिफ़िकल्टीज हैं, वो सिर्फ फिज़िकली नहीं हैं, जो हम माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते तभी नहीं आती हैं, हमारे अंदर भी माउंटेंस हैं. वो माउंटेंस फियर, एनजाइटी, नर्वसनेस, नेगेटिविटी और इन सारे फॉर्म्स में हैं. तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये हमारे सामने डिफ़िकल्टीज़ हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करके आगे बढ़ना है, और उसी के बाद हम माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट जो हमारे माइंड का जो समिट है, जो माइंड का जो पीक पॉइंट है, उस पर पहुंच सकते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर मेजर आहलूवालिया ने समिट विद इन, हमारे जो माइंड का जो समिट है, जो द पीक ऑफ द आर माइंड, उसके बारे में बात की है, और इसका कंपैरिजन फिजिकल समिट के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया तो उन्हें कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, और उन्होंने इतना सब ओवरव्यू देखा, उस पूरे व्यूज को देखा, और उन्होंने कहा कि अब इन्होंने जो फिज़िकल माउंटेन है उसे तो क्लाइम कर लिया है, लेकिन अभी उनको एक और क्लाइम करना बाकी है, जो समिट उनके मन के अंदर है, द समिट विद इन इनसाइड, जो कि उनके अंदर है, उस समिट को क्लाइम करना अभी उनके लिए बाकी है. Let's see about the lesson, The Summit Within. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this lesson, he has talked about his experience of climbing the world's highest summit. He tells the reader how the physical conquest changes one on a personal and spiritual level. After talking about climbing the physical summit, he has also talked about the task of climbing the summit within. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Major HPS Ahluwalia जो हैं एक member रह चुके हैं first successful Indian expedition, जो Indian journey स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट सक्सेसफुल जो मिशन था माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने का, उसके वो एक मेंबर थे, जो कि 1965 में हुआ. इस लेसन में ही हैज़ टॉक्ड अबाउट, वो बात करते हैं इस एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ऑफ क्लाइंबिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट समिट, कि किस तरीके से वो वर्ल्ड के हाईएस्ट समिट, समिट मतलब
चोटी या पीक पर वो एक्सपीरियंस उनका क्या कैसा रहा उसके बारे में उन्होंने बात की है। ही टेल्स, वो बताते हैं द रीडर्स रीडर्स को हाउ द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट चेंजेस वन ऑन अ पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, और साथ में ये भी बताते हैं कि किस तरीके से जो फिजिकल विक्ट्री है उनकी, उससे वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं पर्सनल लेवल पर भी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी। आफ्टर टॉकिंग अबाउट, इस बारे में बात करने के बाद, क्लाइंबिंग द फिजिकल समिट, कि कैसे उन्होंने फिजिकल समिट जो माउंटेन क्लाइम किया है। ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, वो ये भी बात करते हैं अबाउट द टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, कि किस तरीके से जो माइंड का समिट है, जो पीक ऑफ द माइंड है, उसे कैसे अचीव किया जाए, वो इसके बारे में भी बात करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग अवर माइज ऑफ पेनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल अवर, हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबलियन देर वॉज अ टेंज ऑफ सैडनेस, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल लॉर्ड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। सो यहाँ पर ऑथर स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि ऑफ ऑल द इमोशन, कि कितने सारे इमोशन उनमें अराइज अप होते हैं, विच सर्ज थ्रू मी अरोज अप सडनली, कितने सारे इमोशंस उनमें आते हैं जब वो एज आई स्टूड ऑन द समिट, कि जब वो पॉइंट पर पीक पर पहुँचते हैं तब। लुकिंग आवर माइज ऑफ पेनोरमा बिलो अस, और साथ में जब वो वहाँ पर होते हैं तो वो पूरा पेनोरमा, पेनोरमा मीन जो पूरा व्यू देखते हैं जो उनके नीचे है, क्योंकि वो चोटी पर हैं, माउंट एवरेस्ट की समिट पर हैं, और वो पूरी अपने नीचे जितना भी वाइड व्यू है उसको ऑब्जर्व करते हैं। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, सो वो बताते हैं द ह्यूज पैनोरमा बिलो दैम, जो पूरा जो दृश्य है उसको देख के उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे हैं और मॉडेस्ट हैं। ह्यूमिलिटी मीन द क्वालिटी ऑफ बींग हैविंग अ मॉडेस्ट, कि वो बहुत छोटे हैं, लो, कि उनसे बड़ा गॉड है। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड्स इज ऑवल, अब यहाँ पर पॉइंट पर पीक पर पहुँचने के बाद जो मेरी फिजिकल एनर्जी है वो मुझसे ये कहती है थैंक गॉड कि फाइनली इट्स ऑल ओवर, कि ये फिनिश हुई, मतलब मेरी जो जर्नी थी माउंट एवरेस्ट की ऑलमोस्ट अब फिनिश हुई। सो हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबलियंट देर वॉज अ टेंच ऑफ सैडनेस, खुश होने के बदला, जुबलियंट मीन हैप्पी, देयर वॉज अ टेंज ऑफ सैडनेस, थोड़ा बहुत वो दुखी था, ही वॉज अनहैप्पी, रादर देन फीलिंग प्राउड, उसे फील था कि वो उसने कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में, बट स्टिल ही कुड फील सम सैडनेस विद इन हिम। सो वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल लॉर्ड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। Was it because I had already done, कि मैंने ये पहले ही कर लिया the ultimate in climbing Mount Everest पर चढ़ना, that he had done, he had a feeling that he had become now proficient, कि वो proficient हो चुके हैं to climb the Mount Everest, to climb the highest point of the world, and all the roads hereafter would lead downwards, और उन्हें ये feel होता है कि यहाँ इसके बाद जितने भी roads हैं all the roads from that points will lead only downwards, कि ये सब कुछ अब सारे points finish हो गए, अब जितने भी points आएंगे वो सारे downwards में ही होंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountain is never the same again. So the up point ये feel करते हैं, author ये लिखते हैं कि by climbing the summit of Everest, जब वो Everest पर पहुँच जाते हैं, summit of Everest, you are overwhelmed. तो वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि ही बाय डीप सेंस ऑफ जॉय, और इतने ज़्यादा खुश हैं और थैंकफुलनेस से कि इट इज़ अ जॉय, कि ये जो जॉय है विच लास्ट अ लाइफ टाइम, कि वह जॉय हमेशा रहेगा, और इस एक्सपीरियंस से द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये एक्सपीरियंस कम्प्लीटली मुझे चेंज कर देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेंस, जो मैन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आ जाते हैं, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो ह्यूमन बींग सेम नहीं होते हैं। सो द ऑथर राइट्स दैट व्हेनेवर ही थिंक्स अबाउट हैविंग क्लाइंब द समिट ऑफ एवरेस्ट,
ही कैन नॉट हेल्प बट थिंक अनादर सिग्निफिकेंट समिट। अब वो दूसरे समिट के बारे में बात करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि जो भी मैन एक बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आ जाता है वो सिमिलर मैन नहीं रहता है, वो इंसान, वो जो ह्यूमन बीइंग है वो डेफिनेटली चेंज हो जाता है, वो जो माउंट एवरेस्ट का क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है वो ह्यूमन बीइंग को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had done, I began asking myself the question, why I had climbed Everest? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past. Something done yesterday, with every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade away slowly? So, author कहते हैं यहाँ पर, the author writes about whenever he thinks about having climbed Everest, कि जब भी वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो जब climb करके आ गए हैं Everest, I cannot help remarking about, तो वो ये ऐसा सोचते हैं, he cannot help but think, वो ऐसा सोचते हैं कि other summit, अब उनके सामने एक और summit है, the another significant important summit है, which is the समिट ऑफ माइंड, जो कि उन्हें अचीव करना है, समिट ऑफ माइंड अचीव करना है, नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन स्ट्रॉन्ग, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ईजियर नहीं है, इतना ज़्यादा ईजियर नहीं है, विच इज़ नॉट ईजियर टू क्लाइम एंड नो ईजियर टू क्लाइम, और वो इतना ईजी भी नहीं है कि वो ईजीली अचीव किया जा सके। इवन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, समिट से नीचे उतरने के बाद, वंस द फिजिकल एग्जॉस्टेशन हैड गॉन, जो फिजिकल एग्जॉस्टेशन है, जो थकावट है फिजिकल, वो चली जाती है, आई बिगन आस्किंग मायसेल्फ, तो मैं खुद से ही ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, आई बिगन आस्किंग मायसेल्फ द रीज़न वाई आई हैड क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ के गया। सो वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और वो ये भी बताते हैं कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो बहुत समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये अकॉम्प्लिशमेंट था, जो अचीवमेंट था, कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी इमेजिनेशन पर क्यों पड़ा। इवन इट वॉज़ अ थिंक ऑफ द पास्ट, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है, इट वॉज़ ऑलरेडी थिंक ऑफ द पास्ट, वो कर चुके हैं, समथिंग डन यस्टरडे, जो पहले किया जा चुका है पास्ट में, विद एवरी पासिंग डे, हर दिन जब बीतता है इट वुड बिकम मोर रिमोट, और ये चीज़ और ज़्यादा दूर होती जाती है, रिमोट मतलब दूर, डिस्टेंट। सो एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब क्या बाकी है, वुड माय मेमोरीज फेड अवे स्लोली, क्या मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगी। ही वॉज अनश्योर इफ द मेमोरी वुड रिमेन और फेड अवे स्लोली। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, because it is there, the it presents great difficulties, man takes delight in overcoming obstacle, the obstacle in climbing a mountain are physical, a climb to a summit means endurance, persistence and willpower, the demonstration of the physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. So yahan par point bolte hain, all this thought jo bhi unke mind mein aate hain led me to the question, aur un thoughts ki wajah se unke dimag mein questions aata hai, जो कि एज़ टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेंस, कि लोग माउंट एवरेस्ट पर क्यों क्लाइंब करते हैं। सो ऑल दिस थॉट्स विच कैम इन टू द माइंड ऑफ द ऑथर टू मेड हिम आस्क हिमसेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। इट इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सिंपल सा आंसर हो सकता है एज अदर हैव सेड, जो दूसरे बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ पर है। The simplest answer of this question is because it is there. So it presents great difficulties. ये हमारे सामने बहुत सारी difficulty present करता है, जब हम Mount Everest पर journey start करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी difficulties होती हैं। Man take delight in overcoming obstacle, और जो human being हैं, जो man है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल, जितनी भी ऑब्स्टिकल उनके सामने आती हैं उन चैलेंजेस को फेस करना उन्हें अच्छा लगता है। सो ओवरकमिंग दिस ऑब्स्टिकल्स ब्रिंग प्लेजर टू द क्लाइंबर्स, वो एक प्लेजर होता है मैंस के लिए।
मैन के लिए. द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स मीन प्रॉब्लम्स जो आती हैं इन क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए, आर फिजिकल्स, वो फिजिकल हैं. अ क्लाइंब टू अ समिट, अगर समिट पर, जो चोटी पर जाना है, मीन्स तो हमें हमारे एक ह्यूमन बींग के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एंड्योरेंस होनी चाहिए, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस मीन कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स, एंड विल पावर. तो एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले क्लाइंबर के पास जब वो माउंट समिट पर क्लाइंब कर अचीव करते हैं, तो उन्हें के अंदर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. सो जो द एग्जीबिशन होता है, द डेमोन्स्ट्रेशन एग्जीबिशन फिजिकल क्वालिटीज़ का, ये बहुत ज़्यादा, और अवेयरनेस जो इन चीज़ों के लिए होती है टूवर्ड्स दैम, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है. एक्सिलरेटिंग मीन थ्रिलिंग है, और जैसे ये दूसरे लोगों के लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. ये ऑथर के लिए भी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटेड मोमेंट था. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge. And like many, I believe that mountains are a means of communion with God. तो यहाँ पे author कहते हैं, I have a more पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, कि ऑथर के पास पर्सनल आंसर्स हैं, अपने खुद के आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, कि वो माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहते थे, व्हाई ही वांटेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. सो फ्रॉम माय चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेंस. तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड बाय माउंटेंस सिंस हिज चाइल्डहुड. आई हैड बीन मिजरेबल, मिजरेबल मीन दुखी. So he used to be lost and unhappy. वो sad थे, lost हो जाते थे, away from mountains में in the plains, और वो plain area में रहते हैं. तो he used to be feel lost and unhappy in the plains. So he wanted to climb mountains. So mountain are nature at its best. और जो mountains हैं, best form है nature का. And he feels the mountains are nature in its best form. देयर ब्यूटी, उनकी ब्यूटी, जो मेजेस्टी है, मेजेस्टी मीन जो उनकी ग्रेट ब्यूटी है, पोज अ ग्रेट चैलेंज. ये हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रखती है. सो ऑल्दो देयर मैग्निफिशेंस एंड ब्यूटी पोज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज. सो एंड लाइक मैनी, आई बिलीव डैट माउंटेन्स आर मीन कम्युनियन विद गॉड. द ऑथर ऑल्सो फील जस्ट एज अदर पीपल्स आर थिंकिंग, जैसे दूसरे लोग सोचते हैं कि माउंटेंस उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं गॉड के साथ. कम्युनिन मतलब कि अपनी फीलिंग्स शेयर करना गॉड के साथ. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, Why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards, and then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. So, once having granted this, तो वंस हैविंग फाउंड वाई टू क्लाइंब माउंटेंस, अगर एक बार हमें ये पता चल जाता है कि वाई एवरेस्ट, कि माउंट एवरेस्ट क्यों क्लाइंब करना है, वाई टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट माउंटेंस. सो बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइएस्ट है. इट इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द माइटीएस्ट, माइटीएस्ट मतलब पावरफुल. एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, डिफाइड मीन फ्रस्ट्रेटेड या रेजिस्टेड. बिकॉज इट हैज़ रेजिस्टेड मैनी अटैम्प्ट, क्योंकि लोग बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन वो चढ़ नहीं पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते समिट को. सो इट हैज़ रेजिस्ट मैनी अटैम्प्ट ऑफ वेन पीपल ट्राइंग टू क्लाइंब इट.
It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Even to reach the summit of Everest, जब हम summit पर पहुँचते हैं तो it asks for every bit of energy. तो जितनी भी हमारी energy होती है वो सारी चली जाती है. It takes out our energy. And it is a brutal struggle. Brutal mean harsh. So it is an unpleasant, harsh struggle with rocks and ice. So once taken up, if you have decided, अगर आपने एक बार decide कर लिया this hard challenge, इस challenge को, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. So हमारे फिर हमें उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. We should not give up in a midway. Even if our life is at stake, अगर हमारी life अगर problem में फंस जाते हैं हम, तभी भी हमें नहीं रुकना चाहिए. Because the passage backward poses the same difficulties, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे difficulties आ सकती हैं. The passage back is as difficult, जो आगे का और पीछे का जो पीछे का जो रास्ता है वो भी डिफ़िकल्ट था, और एज अ पैसेज ऑनवर्ड्स जो आगे आएगा जो वो उसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं. सो बिकॉज द पैसेज बैकवर्ड पोजेस द सेम डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस एज द पैसेज अपवर्ड्स. एंड देन व्हेन द समिट इज रिक्लाइम्ड, जब हम समिट पर पहुँच जाते हैं, देयर इज द एक्सिलरेशन, तो वहाँ पर हमें एक्साइटमेंट फील होता है. वी फील द एक्सिलरेशन दैट वी हैव ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज. फाइनली व्हेन वी ओवरकम ऑल दिस ऑब्स्टिकल एंड वी रीच द समिट, सो देयर आर फीलिंग्स ऑफ अचीवमेंट दैट वी हैव डन समथिंग, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन. एंड वी हैड अ फीलिंग, we have a feeling of excitement, we have a feeling of joy, victory and happiness that we had done something special in our life. There is the feeling of having that we had won the battle, we fought a battle and finally we won the battle.